रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शासन स्तर से जल मिशन योजना अंतर्गत 129 करोड़ की लागत से बुरहानपुर जिले को पायलट प्रोजेक्ट में लेकर घर घर तक नलों के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ था। वही जल जीवन मिशन योजना का लोकार्पण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान करने आ रहे हैं, किंतु जल जीवन मिशन का कार्य केवल कागजों पर कंप्लीट है। इन स्तर पर इसकी पड़ताल की तो पोल खुलकर रह गई। कई गाँव में तो अभी कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ है। वही अधिकारी इस कार्य को 80 करोड़ में पूर्ण होना बता रहे हैं, जबकि भाजपा की पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस 129 करोड़ में कार्य पूर्ण होने की बात कह रही है। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि 129 करोड़ के कार्य 80 करोड़ में पूर्ण हुआ तो बाकी 44 करोड़ कहा गए। अधिकारी और नेता की बात में ही अंतर आ रहा है। आखिरकार कौन सच है और कौन झूठ? कहा गए 44 करोड़ क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए? पूरे प्रोजेक्ट की लागत थी 129 करोड़। कितना खर्च हुआ? करीब 80 करोड़ के आसपास खर्च। जब योजना पूर्ण हो गई लगभग, आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो क्या पैसा बच गया इसमें? नहीं, उसमें क्या है कि बिलों में था ना, तो 12% 15% ठेकेदार ने बिलों में वो काम किया था, तो बिलों वाला जहाँ 167 पंचायतों में और 167 पंचायतों में जो खकनार और बुरहानपुर दोनों ब्लॉक को समाहित करते हुए 254 गांव के घर घर में नल पहुंचाने की योजना का कल लोकार्पण होने जा रहा है, और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। 129 करोड़ रुपए का ये लोकार्पण है, और इसके साथ ही 75 योजनाओं का, अन्य अन्य विभागों की योजनाओं का वह भूमि पूजन करेंगे, लोकार्पण करेंगे 75 योजनाओं का।